हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 7 जुलाई को आईपीओ ओपन होने जा रहा है क्लीन साइंस का। जी हाँ दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पेशलिटी केमिकल का ये आईपीओ होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ दोस्तों नज़र आ रहा है पहली नज़र में। जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है इसको, पूरा आपको डिटेल देने वाला हूँ क्यों यहाँ पर ये ज़बरदस्त आईपीओ हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। साथ ही पूरा यहाँ पर देखिए बिजनेस एनालिसिस तो हम करने ही वाले हैं। क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, कितने वैल्यूएशंस हैं, कौन कौन इनके पीयर्स हैं लिस्टेड स्पेस में, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों बहुत ही शानदार चल रहा है, और उसके पीछे के रीजन्स क्या हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, काफ़ी अच्छी इनसाइट आपको मिलने वाली है इस आईपीओ के रिगार्डिंग। तो वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 7 जुलाई को ये ओपन हो रहा है, 9 जुलाई को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू है ₹1 पर इक्विटी शेयर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ₹10 की फेस वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों अभी फेब 25, 2021 को सब डिवीजन किया है, मतलब कि स्प्लिट किया है अपने शेयर्स को यहाँ पर। तो इसलिए आपको यहाँ पर ₹1 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। नहीं तो दोस्तों इसका शेयर प्राइस अराउंड 5,000 से ज़्यादा का था थोड़े टाइम पहले, क्योंकि उससे पहले बोनस भी इन्होंने शेयर होल्डर्स को अनाउंस किया था। उसके बाद इन्होंने आई थिंक फैब के फर्स्ट वीक में इन्होंने बोनस दिया था शेयर होल्डर्स को, और फैब के लास्ट वीक के अराउंड यहाँ पर इन्होंने सब डिवीजन किया, मतलब कि स्प्लिट किया शेयर्स को। तो उस टाइम वैल्यू इसकी करीब 4,500 के ऊपर चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसका जो आईपीओ प्राइस है 880 से ₹900 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। मार्केट लॉट है 16 शेयर्स का, लिस्टिंग होगी BSE NSE पे, ठीक है, और इश्यू साइज है 1500 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है दोस्तों पूरा का पूरा। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। जितने भी प्रमोटर्स हैं अपना यहाँ पर इक्विटी को, स्टेक को यहाँ पर ऑफलोड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जितनी भी उनके पास टोटल पेड अप कैपिटल है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा ऑफलोड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ चलिए देख ली। अब टाइम टेबल क्या है, 7 जुलाई को ओपन होगा, 9 को क्लोजिंग, 14 जुलाई को अलॉटमेंट हो जाएगा, एंड रिफंड्स आना चालू हो जाएंगे 15 से। अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो 16 को हो जाएगा डीमैट में क्रेडिट शेयर्स, और लिस्टिंग होगी 19 जुलाई को। तो ये होगी चलिए आईपीओ डिटेल्स। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वी आर अमंग द फ्यू कंपनीज ग्लोबली फोकस्ड एंटायरली ऑन डेवलपिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज यूजिंग इन हाउस कैटेलिटिक प्रोसेसेस विच आर इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। दिस हैज इनेबल्ड अस टू इमर्ज एज दी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी केमिकल्स इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एज ऑफ मार्च 31, 2021। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और कुछ सर्टेन मतलब सर्टेन स्पेशलिटी केमिकल्स में ये वर्ल्ड में, इंडिया में लीडर है। जी हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ पर ये कई प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए किन किन प्रोडक्ट्स में है, चलिए मैं आपको ये नीचे दिखाऊंगा, उससे पहले हम और चीज़ें यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो देखिए इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, MEHQ। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस मोनोमर्स सच एज एक्रिलिक्स, मेथा एक्रिलिक्स एंड अदर एक्रिलेट्स। तो बेसिकली दोस्तों ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके, MEHQ, ग्यूकॉल, BHA, फोरमैप, DCC, यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं या तो ये इंडिया में लार्जेस्ट हैं या वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैं एज पर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पर बात हो रही है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से लेकर फार्मा इंडस्ट्री से लेकर फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री से लेकर पर्सनल केयर इंडस्ट्री तक दोस्तों सारी यहाँ पर जो है वाइड यूज़ ऑफ इनके जो है एप्लीकेशन है प्रोडक्ट्स की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अगर यहाँ पर हम देखें तो इनकी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेंथ क्या है इनकी। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इनोवेशन थ्रू कंसिस्टेंट R&D इनिशिएटिव्स। तो इनके दोस्तों यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, खुद की यहाँ पर दोस्तों इनकी इन हाउस R&D है, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेरियस कैटलिस्ट इन्होंने डेवलप किए हैं, और प्रोसेस डेवलपमेंट्स में काफ़ी अच्छा दोस्तों इनकी जो प्रोडक्टिविटी भी है, ठीक है। बीइंग अ टेक्नोलॉजी का एडवांस कंपनी है, वी हैव पायनियर्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ कैटेलिटिक रिएक्शंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस वी आर द ओनली कंपनी ग्लोबली टू डिप्लॉय वेपर फेज टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनिसोल फ्रॉम फिनॉल विच इज बेटर विद बेटर एटम इकोनॉमी एंड ओनली वाटर एज एफिलियंट कंपेयर टू लिक्विड फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आपको ये डिटेल्स देखने को मिल रही है। अब देखिए अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली ऑफ फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स यूज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो MEHQ की बात करें तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,500 मेट्रिक टन यहाँ पर है कंपनी। इंडिया पोजिशन बात करें तो लार्जेस्ट इन इंडिया। BHA की बात करें तो लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, लार्जेस्ट इन इंडिया है। ग्यूकॉल की बात करें तो देखिए थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। एनिसोल लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन इंडिया। फोरमैप लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन इंडिया। तो देख सकते हैं आप कितने सारे प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पर इनकी मार्केट लीडरशिप है,
अच्छी खासी, मतलब वर्ल्ड की बात करें चाहे ग्लोबली बात करें चाहे डोमेस्टिक बात करें, आप देख सकते हैं गजब की यहाँ पर इनके पास पोजीशन है इनके प्रोडक्ट्स की। और क्या है देखिए, और हम डिटेल बात करें तो देखिए जो है इनकी अगर बात करें देखिए, और कस्टमर्स कंप्राइज मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड अदर रेगुलेटेड इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग चाइना, कनाडा, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताइवान, कोरिया एंड जापान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका एक्सपोर्ट है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इन कस्टमर्स के थ्रू रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इनका खासा। अभी हम नीचे इसकी बात करेंगे, चलिए नीचे चलते हैं फिर पूरी डिटेल आपके देंगे। तो देखिए एक और स्ट्रेंथ है इनकी, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट विद एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद की कस्टमर्स। तो इनके कस्टमर्स कौन है, कस्टमर्स इनके देखिए कौन कौन है, बेयर एजी, SRF लिमिटेड, ठीक है, फॉर एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट, जेनेक्स लेबोरेटरीज फॉर फार्मा इंटरमीडिएट्स, विनती ऑर्गेनिक्स फॉर लिमिटेड फॉर स्पेशलिटी मोनोमर प्रोडक्ट्स, और न्यूट्राइड इंटरनेशनल NV फॉर एनिमल न्यूट्रिशन। सम ऑफ आर कस्टमर्स हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद अस फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ दोस्तों इस बिजनेस में जहाँ पर ये क्लीन केमिकल्स पे स्पेशलिटी पे काम कर रहे हैं, नाम भी आपको पता, देखिए क्लीन जो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IPO है, तो यहाँ पर नाम के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से एंट्री बैरियर भी है, जहाँ पर कि रेगुलेशन रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अप्रूवल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हैं और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है जिनका, तो यहाँ पर एंट्री बैरियर्स भी है। तो इस हिसाब से दोस्तों बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है इनका, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, जैसा आपने अभी देखा ऊपर लार्जेस्ट है वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। अगर इनके हम बात करें देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो देखिए दोस्तों आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखिए 2019 में था करीब, ये है आई थिंक ये मिलियंस में वैल्यू है, तो यहाँ पर हम इसको करोड़ में देखेंगे। तो देखिए 393 करोड़ से बढ़ के 419 करोड़, फिर 512 करोड़, तो करीब 14-15% की CAGR से इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रॉफिट देखिए आप 97 करोड़, 139 करोड़, 198 करोड़, 42% की CAGR से इनका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है। मार्जिन आप देखिए 24% CAGR से, EBITDA आप देखिए 38% CAGR से, EBITDA मार्जिन 21 से, ठीक है। ROC देखिए आप दोस्तों कंसिस्टेंटली 2019 से लेकर 2021 तक 20% का यहाँ पर आपको ROC देखने को मिलेगा, और ROE देखिए आप 35%, 40%, ठीक है, 36%। तो ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पर ROE के नंबर है कंसिस्टेंटली, देखिए रिटर्न इक्विटी 2019 से लेकर 2021 तक 35-40% के आसपास ही हैं। तो ये है दोस्तों ज़बरदस्त तरह इनके फाइनेंशियल्स, जहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है, और इनके मार्जिन आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें देखिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की, देखिए देखिए दोस्तों ये कैपेसिटीज़ को अपनी बढ़ा भी रहे हैं। देखिए अगर बात करें टू केटर टू द ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू कस्टमर्स, वी इंटेंड टू एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ फॉर फ्यू ऑफ आर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को, जो कि हो सकता है भविष्य में हमको आती हुई देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें देखिए वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फॉर एप्लीकेशन इन पेंट्स एंड कोटिंग, फार्मा, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, द मार्केट ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग, फार्मा, केमिकल्स, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 5.1% टू 5.8% 2019 से लेकर 2025 तक। तो ये डिमांड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए ये अपनी कैपेसिटीज़ को यहाँ पर एक्सपेंड करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली एक थर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है एडजेसेंट टू आर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट करकुम, एंड दोस्तों ये फोर्थ फैसिलिटी भी लगाएंगे थोड़े टाइम में, क्योंकि इनको लैंड अलॉट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन के लिए करकुम महाराष्ट्र में। तो देख लिए ऑलरेडी एक जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, थर्ड फैसिलिटी, फोर्थ फैसिलिटी भी आपको आती हुई देखने को मिलेगी अभी थोड़े टाइम बाद। तो ये है दोस्तों इनका पूरा बिजनेस मॉडल, क्या यहाँ पर फाइनेंशियल्स हैं, क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कहाँ पर ये मार्केट लीडर हैं, ये सारा आपको यहाँ पर जानना जरूरी है IPO में अप्लाई करने से पहले। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कंपनी के CapEx प्लान क्या हैं, कंपनी के सारे यहाँ पर बिजनेस नुआंसेस क्या हैं। तो ये हो गया दोस्तों पूरा बिजनेस एनालिसिस, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या इसके वैल्यूएशंस हैं। तो वैल्यूएशंस की बात करें दोस्तों क्लीन साइंस की, अभी आप देखेंगे PE चल रहा है 48 के आसपास। अभी अगर बात करें तो 2021 में मार्च में एनुअलाइज्ड EPS के बेसिस पे इनका EPS अभी करीब 19 के आसपास चल रहा है, तो उस बेसिस पे अगर 900 के प्राइस को आप इससे डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 48 के आसपास इसका PE आता है। तो जो कि विनती ऑर्गेनिक्स से काफ़ी कम है, फाइन ऑर्गेनिक्स से काफ़ी कम है, अतुल से थोड़ा सा ज़्यादा है, कैमलिन के आसपास है, SRF से ज़्यादा है, ठीक
है, नवीन से कम है और पीआई इंडस्ट्री से कम है। तो आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल मतलब अगर एक एवरेज निकालें तो दोस्तों अभी भी पीई रेशियो यहाँ पर एक ठीक ठाक पीई पे यहाँ पर ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, मतलब कि वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन हैं। क्योंकि बेसिक दोस्तों बात करें तो ये कुछ ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है जहाँ पर ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है और जिसकी डिमांड भी काफ़ी रहने वाली फ्यूचर में, तो उस हिसाब से पीई ये जो हेडरूम काफ़ी छोड़ा है हमारे लिए। और इसी के बेसिस पे आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको दोस्तों आज की डेट में मिल रहा है 400। जी हाँ दोस्तों 400, मतलब कि 900 के प्राइस बैंड पे 400 कितना हुआ, 45% के आसपास दोस्तों आज की डेट में लिस्टिंग गेन देखने को हमको मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा लिस्टिंग गेन इसमें हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। और यही रीज़न है दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की डिमांड दोस्तों काफ़ी रहने वाली है फ्यूचर में। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर आगे आने वाले 5 सालों में यहाँ से डबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों डबल। और ये जो कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं, जो ऑलरेडी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेकर बैठे हुए हैं, तो डिमांड को ये केटर कर सकते हैं आसानी से। और अभी देखिए इसके केस में बात करें तो थर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी ऑलरेडी जो है इन प्रोग्रेस है, फोर्थ आने वाले फ्यूचर में लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास देखिए पूरा यहाँ पर इशू साइज़ जो है पूरा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास दोस्तों कोई भी बोरिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों इनकी बोरिंग 3 मिलियन के आसपास है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है इनके कैश इक्विवेलेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि इनके कैश जो है 15 मिलियन से ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है इनके पास, जो कि बहुत अच्छा है। और फ्री कैश फ्लोज आपने देखे कितने अच्छे खासे जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक हाँ देखिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखिए 50% की CAGR से बढ़ रहा है। तो आप देखिए कैश फ्लो कितने अच्छे हैं इनके, तो मतलब कंपनी दोस्तों फाउंड लग रही है, मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, 7 साल का इनको पूरा 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छा IPO लग रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, तो इसको लिस्टिंग गेन के लिए भी दोस्तों हम अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है कंपनी। बाकी दोस्तों और डिटेल आएगी कौन इनके एंकर इन्वेस्टर्स हैं और कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जब IPO ओपन हो जाएगा तब डिटेल शेयर करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके साथ आगे की स्ट्रेटेजी हम उस वीडियोस में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।